हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू 24/7। दिस इज़ योर डेली करंट अफेयर शो। और आज की क्लास में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके प्रीवियस जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी उनसे ओरिएंटेड। ओके, सो आपको हर एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट, आपको हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर करना है। ओके, सो आप यहाँ पर अगर रेडी हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दैट यू आर रेडी। ओके, फिर हम अपना आज का जो सेशन है उसको शुरू करेंगे। इसके अलावा आप अपना जो एक्सपीरियंस है LICW एग्जामिनेशन का वो भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके अटेम्प्ट्स रहे हैं। ओके, सो दिस इज द वन सेशन विच इज इम्पोर्टेंट फॉर यू अपकमिंग LICW एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको अगर प्री एग्जामिनेशन अगर आपका अच्छा गया है तो LICW के लिए अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर हम इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी करते हैं और बैंक से ओरिएंटेड क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, सो इट इज कम्प्लीट पैकेज फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू विच इज रिलेटेड टू अ बैंक। ओके, सो एक बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट आउटलुक फॉर 2019, ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक विल इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट। ओके, सो आपको मुझे बताना है एशिया पैसिफिक में जो ग्रोथ रेट है वो कितना परसेंट इंक्रीज होने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नो हियर इज दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय द ADB, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, सो एशियन डेवलपमेंट बैंक रिलीज दिस रिपोर्ट एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द ग्रोथ रेट विल इंक्रीज बाय 5.7%। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ यू हैव टू रिमेंबर हियर व्हाट आर द स्टैटिक फैक्ट्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, लाइक वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ADB एंड हु इज अ प्रेजिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, सो आपको मुझे यहाँ कमेंट करके बताना है ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ADB के प्रेजिडेंट कौन है इस टाइम पर। ओके, सो अगर हम देखें ADB जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो हमारा है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में है। ओके, सो मनीला फिलीपींस जो है हेडक्वार्टर है, किसका हेडक्वार्टर है यहाँ पर, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। अगर आपसे यहाँ पर प्रेजिडेंट पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, ताके हिके नकाओ जो हैं वो क्या है, प्रेसिडेंट हैं किसके, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ये जो पूरा अनाउंसमेंट हुआ ये हुआ कहां पर था उसकी बात करेंगे हम। यहां पर एक 52nd एनुअल मीटिंग हुआ था, ठीक है, 52nd एनुअल मीटिंग हुआ था ADB का। कहां पर हुआ था, फिजी में हुआ था, जहां पर ये अनाउंसमेंट की गई थी। ठीक है, तो अब यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है वो एक कंट्री हो जाती है, वो कौन सी कंट्री है, फिजी है। अगर आपसे फिजी का कैपिटल पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, सुवा। ठीक है, सुवा जो है वो क्या है, कैपिटल है किसका, फिजी का कैपिटल है। लेट मी क्लियर दिस। ओके, सो कैपिटल ऑफ फिजी इज सुवा एंड द करेंसी इज फिजियन डॉलर। ओके, सो फिजियन डॉलर इज द करेंसी ऑफ फिजी। ओके, ये चीज आपको यहां पर याद रख लेनी थी। अगर आपसे प्राइम मिनिस्टर पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, जोशा वोरेक्यू बेनी मेरोना। ठीक है, वो क्या है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, सो दीज वर ऑल द थिंग्स जो आपको इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट थी। अगर हम करेंगे यहां पर नेक्स्ट स्लाइड पर मूव। ओके, सो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए। व्हाइल एड्रेसिंग द ओपनिंग सेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एट ADB, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक्स 52nd एनुअल मीटिंग। ठीक है, तो वहां पर टाके ही के नकाव जो थे उन्होंने क्या बोला था, दैट द कंज्यूमर एंड इन्वेस्टर्स बिहेवियर कुड डिमिनिश ड्यू टू द ट्रेड टेंशन बिटवीन द नेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हो रखी है, जो उनके अकॉर्डिंग जो ट्रेड था वो क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि नेशंस के बीच में क्या चल रही हैं, यहाँ पर टेंशन चल रही हैं एक दूसरे की कंट्री में एक्सपोर्ट से रिलेटेड। ओके, सो इसकी वजह से जो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा क्या हो सकता है, कम हो सकता है। लाइक 5.7% उन्होंने एस्टिमेट किया है, लेकिन लास्टली हो सकता है कि वो कितना हो जाए, 5.6% यहाँ पर हो जाए। ये चीज आपको यहाँ पर याद रख लेनी थी। अगर आपसे इसका वेन्यू पूछा जाएगा मीटिंग का तो आप अगेन क्या बता देंगे, फीस ही बता देंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which bank launched the $5 billion Healthy Ocean Action Plan? ठीक है, तो ये आपको बताना है ये एक्शन प्लान जो है वो कौन से बैंक ने यहाँ पर लॉन्च किया है
ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है. ओके सो आपको ये कमेंट करके मुझे यहाँ पर बताना है और जो भी बैंक है उसके स्टैटिक फैक्ट्स भी आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगी. सो अगेन द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक. ओके सो ये पूरा जो प्लान हुआ है किसके लिए, हमारे ओशंस को क्लीन रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, कितने डॉलर का है, 5 बिलियन डॉलर का है. तो आपको ये याद रख लेना है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको लॉन्च किया है. अगेन ये जो मीटिंग हुआ था एनुअल मीटिंग एडीबी का, वहीं पर इसको लॉन्च किया गया था. आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ रही होंगी. अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप सेशन को यहाँ पर लाइक भी कर सकते हैं. अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको. अगेन यहाँ पर आपको फर्स्ट जो यहाँ पर पैराग्राफ है इसमें आपको क्या बताया गया है, फर्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है इसमें आपको बताया गया है व्हाट वाज द वेन्यू, वेन्यू के बारे में बताया गया है. उसके बाद यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसके प्रेसिडेंट कौन है, टाकेहिके नकाओ हैं. ओके यहाँ पर बताया गया हेल्दी ओशन एक्शन प्लान विल एक्सपेंड फाइनेंसिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर ओशंस हेल्थ एंड मराइन इकोनॉमी प्रोजेक्ट टू 5 बिलियन. अब कहाँ से कहाँ तक है, 2019 से लेकर 2024 तक का इसका एम है प्रोजेक्ट का. ओके सो ये सारी चीज़ें जो थी इस क्वेश्चन से आपके लिए इंपॉर्टेंट थी. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद द पीसी चंद्र पुरस्कार फॉर 2019. आपको बताना है 2019 के लिए पीसी चंद्र पुरस्कार जो है इनमें से किसको दिया गया है ए बी सी डी ऑप्शन में से. अब यहाँ पर जिनको भी वो पुरस्कार दिया गया है वो काफ़ी फेमस सर्जन है. ओके और उनका क्या नाम है ये यहाँ पर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज देवी प्रसाद शेट्टी. ओके सो देवी प्रसाद शेट्टी जो है उनको क्या दिया गया है, पीसी चंद्र पुरस्कार दिया गया है. अब यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए, पीसी चंद्र पुरस्कार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए. सो ये देखते हैं. देखो ये आप इमेज देख सकते हैं, ये देवी प्रसाद शेट्टी का इमेज है. यहाँ पर आपको इस अवार्ड के बारे में बताया गया है कि दिस अवार्ड सेरेमनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1993 एज अ ट्रिब्यूट टू द लेट श्री पूर्ण चंद्र. ओके सो पीसी चंद्र बोला जाता है, पीसी बोला जाता है, पूर्ण चंद्र है उनका फुल नाम. ठीक है तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 1993 में ये सेरेमनी शुरू की गई थी. अब ये अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है, देखो कोई भी अगर अवार्ड दिया जाता है तो उसका फील्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. द अवार्ड हैज़ रिकॉग्नाइज पीपल फ्रॉम वेरियस फील्ड्स. ठीक है डिफरेंट फील्ड्स में दिया जाता है. अब की बार जो दिया गया है इन डॉक्टर को दिया गया था. ओके अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ यहाँ पर जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये जो है इनका दूसरा नाम क्या है. आप इनको बोल सकते हो द मैन विद डिवाइन हैंड्स. ओके सो यहाँ पर ये देवी शेट्टी हैं इनको क्या बोला जाता है, द मैन विद द डिवाइन हैंड से बोला जाता है क्योंकि ये काफ़ी अच्छी सर्जरी करते हैं. ओके सो देखते हैं आज का हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. हु विल बी अपॉइंटेड एज न्यू हेड कोच फॉर इंडियन मैंस वॉलीबॉल टीम. ठीक है तो इंडिया की जो वॉलीबॉल टीम है, मैंस वॉलीबॉल टीम है, उसके लिए नए हेड कोच कौन बन गए हैं. ए बी सी डी ऑप्शन में से मुझे आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो सकता है. देखो लास्ट में आपको सेशन की कमेंट करके ये भी बताना है कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर आप ठीक कर पाए हो. आज का जो क्लास होगा उसके बाद आपको क्लास का पी डी एफ जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ड्रैगन मिहालिवोक. ठीक है यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है. अब यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो कौन सी कंट्री से हैं, सर्बिया से वो बिलोंग करते हैं. ओके सो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सर्बिया से बिलोंग करते हैं. आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है. फेडरेशन ऑफ इंडिया जो हमारा है उसका हेडक्वार्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर क्या बता देंगे, बेंगलुरु इज द हेडक्वार्टर ऑफ वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया. ओके अगेन आपसे अगर प्रेसिडेंट यहाँ पर पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगी, एस वासुदेवन जो है, ठीक है वो क्या है, प्रेसिडेंट है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के. ओके आई होप सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर है. मूव करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. नेम द जापान फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट दैट हैज रीच्ड आउटर स्पेस. ठीक है तो जापान का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है जो आउटर स्पेस में पहुंच चुका है. इनमें से क्या उसका नाम है, मोमो वन है, मोमो टू है, थ्री है या फोर है. ओके सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज मोमो थ्री. ओके सो मोमो थ्री इज द करेक्ट आंसर हियर. आपको यहाँ पर पता हो जापान जो है उसके नए एम्परर बन गए हैं. ओके सो जापान के पहले एम्परर कौन थे, अकिहितो थे.
ठीक है, अभी उनकी जगह जो नए एम्परर बने हैं वो कौन है, नरुहितो हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ आपको याद रख लेनी है, पहले कौन थे, अकिहितो थे, उसके बाद जो नए एम्परर बने हैं वो कौन है, नरुहितो हैं। जापान की जो कैपिटल है वो क्या है, टोक्यो है। अगर आपसे करेंसी यहाँ पर पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, ये इज द करेंसी ऑफ जापान। ओके, सो देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गेम चेंजर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच क्रिकेटर, आपको बताना है गेम चेंजर जो है वो कौन से क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज शहीद अफरीदी। ठीक है, तो शहीद अफरीदी जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम क्या है, गेम चेंजर है। एंड दिस इज द वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है उन्होंने किसके साथ मिलकर इसको लिखा है, तो वजाहत जो थे वो एक जर्नलिस्ट थे जिनके साथ मिलकर शहीद अफरीदी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो दोनों का ही नाम जो है इस बुक से आपके लिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ से हम बुक का इमेज भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने इमेज है बुक के फ्रंट पेज का। ओके, सो देखते हैं फ्रंट कवर का, सॉरी। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो दिस इज द वन क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द स्टैटिक अवेयरनेस, यू हैव टू टेल मी विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड लाफ्टर डे। ओके, सो वर्ल्ड लाफ्टर डे जो है उसको शुरू किसने किया, इंडियन ने शुरू किया था, इंडियन डॉक्टर हैं एक, उन्होंने शुरू किया था। अभी किस दिन मनाया जाता है, देखो इसके लिए कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होता है, बट एवरी फर्स्ट संडे ऑफ मे, ठीक है, मई का जो पहला संडे आता है उस दिन क्या मनाते हैं, हम वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाते हैं। और इस बार फर्स्ट संडे कब आया था, 5 मई को आया था। ओके, सो इसलिए हमने कब मनाया, 5 मई को क्या मनाया, वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया। अब देखिए यहाँ पर जो आपको मई से रिलेटेड कुछ मंथ पता होना चाहिए, 1 मई हमारा क्या था, इंटरनेशनल लेबर डे था, मई डे भी बोला जाता है उसको। 2 मई मैंने आपको बताया था क्या था, टूना डे था, टूना क्या है, एक टाइप का फिश है। 3 मई क्या था, वर्ल्ड प्रेस डे था। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस डे जो था वो कब था, 3 मई को था। आप यहाँ पर मुझे बता सकते हैं व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस डे दिस ईयर। ओके, सो इस बार वर्ल्ड प्रेस डे जो था उसका थीम क्या रहा, देखो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स जो आया था उसमें इंडिया का कितना रैंक था, 140 रैंक था, और टॉप किसने किया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को, नॉर्वे ने उसको टॉप किया था। सो दीज वर ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। अब यहाँ से इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, इसको किसने ऑब्जर्व किया था, सबसे पहले सेलिब्रेट करना किसने शुरू किया था, डॉक्टर मदन कटारिया। ठीक है, तो वर्ल्ड अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा वर्ल्ड लाफ्टर डे, तो उससे रिलेटेड जो पर्सन इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो कौन है, यहाँ पर डॉक्टर मदन कटारिया है। ओके, सो मूव करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडिया पॉलिसी हेड ऑफ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के इंडिया पॉलिसी हेड कौन बन गए हैं, ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज संजय उबले। ठीक है, तो संजय उबले इज द करेक्ट आंसर हियर, इनका जो नाम है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ओके, सो आपको ये जो नाम है ये भी याद रख लेना है। ओके, सो दिस इज द वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। मूव करते हैं आज हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए वो है जीएसपी, क्योंकि ये काफी न्यूज में है। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रीफरेंस इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है ये जीएसपी जो टर्म है वो कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। और यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, यूएसए, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, सो अब आपको पता क्या होना चाहिए, व्हाट इज द जीएसपी। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं। जीएसपी यूज बाय यूएस टू प्रमोट ड्यूटी फ्री एंट्री ऑफ 1000 प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर यूएसए में आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो इसके थ्रू क्या होता था, काफी जो प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर कोई भी ड्यूटी चार्ज नहीं की जाती थी। अब क्या हो गया है, उनका लॉ है वो चेंज होने वाला है फॉर द इंडिया। क्या करने वाले हैं वो, इंडिया को इससे बाहर निकालने वाले हैं। अमेरिकन लॉ मेकर्स ने क्या सजेस्ट किया है कि अगर आप टर्मिनेट कर दोगे जीएसपी को, ठीक है, किसके लिए, इंडिया के लिए, तो क्या हिट कर सकता है, अमेरिकन मार्केट को वहां पर हिट कर सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। आपसे जीएसपी का जो फुल फॉर्म है वो भी पूछा जा सकता है। तो आपको जो जीएसपी का फुल फॉर्म यहाँ पर याद रख लेना है वो क्या है, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रीफरेंस। ओके, सो आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड फेम 2
स्कीम फॉर अडोप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो क्या करते हैं, हमारे पोल्यूशन कम करते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट अच्छा होता है उनसे. तो उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली वो क्या है, फेम टू स्कीम है. आपको बताना है वो डज एफ मीन्स इन फेम, फेम में एफ का क्या मतलब है, और यहाँ पर फेम में एफ का जो मतलब है वो क्या है, फास्टर है. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है. अब इसका फुल फॉर्म भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं, फास्टर अडोप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स. ये जो मैं आपको बताऊँ, जब फेम वन आया था उस टाइम पे बैंक एग्जामिनेशन जो हुए थे उसमें इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था, तो डेफिनेटली आपसे आने वाले एग्जामिनेशन में भी इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है. तो आपको इसका फुल फॉर्म जो है वो याद रख लेना है यहाँ पर. ओके, सो दिस इज द अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन. जीरो पेंडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच कोर्ट. आपको बताना है जीरो पेंडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट जो है, यानी कोई भी जो कोर्ट केस है वो पेंडिंग ना रहे, पूरे जो केसेज है उनकी फाइल की पूरा चेक किया जाएगा, पूरा देखा जाएगा कि कितने जजेस के वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, कितने केस वहाँ पर पेंडिंग है, ठीक है. तो ये पूरा जो डाटा है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है किसने शुरू किया है, दिल्ली हाई कोर्ट. ओके, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज दिल्ली हाई कोर्ट. अब यहाँ से देखिए, द प्रोजेक्ट वॉज अंडरटेकन इन सर्टेन कोर्ट्स टू आइडेंटिफाई बेंच मार्क्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस, नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्ड एंड केस फ्लो मैनेजमेंट रूल, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें इससे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कितने यहाँ पर जजेस की रिक्वायरमेंट है. अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द लास्ट कैप्टिव व्हाइट टाइगर. आपको लास्ट कैप्टिव व्हाइट टाइगर का नाम बताना है, दैट डाइड एट द संजीव गांधी नेशनल पार्क विच इज इन मुंबई, ठीक है. सो संजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है, मुंबई में है, वहाँ पर लास्ट व्हाइट टाइगर बचा हुआ था जिसकी अभी डेथ हो चुकी है. तो आपको बताना उस टाइगर का क्या नाम था, ए बी सी डी ऑप्शन में से. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बाजी राव, ठीक है. तो आपको इस जो नाम याद रख लेना था वो क्या था, बाजी राव याद रख लेना है. और आपसे अगर नेशनल पार्क पूछा जाए तो उसका वेन्यू भी आपके लिए क्या हो जाता है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है. ओके, सो यहाँ से देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट. देखो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आ गया था, उसके बाद वर्ल्ड प्रेस डे आ गया है, तो इसलिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है वो वेन्यू है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का, विच इज़ इन वियना, ठीक है. तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई है, दैट इज़ वियना. अब अगर आपसे पूछा जाए वियना क्या, कहाँ है, ऑस्ट्रिया जो है उसकी कैपिटल क्या है, वियना है, ठीक है. तो ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो क्या है, वियना है. ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है. करेंसी जो है वो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं. ओके, सो सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आई होप यहाँ पर आपको. तो देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द नेपाली गर्ल हु सेट्स अ गिनीज रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट डांसिंग. देखो एक नेपाली जो गर्ल है वो पिछले 5 दिन से, यानी 126 आवर्स से उसने डांस किया है, तो उसने एक वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बना दिया है. तो उस गर्ल का क्या नाम है, आपको बताना है ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है. और यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज बंदना. ओके, सो अगर आपसे डेज भी पूछा जाए तो आप कितना बता देंगे, 5 डेज टोटल उसका टारगेट रहा था, ठीक है. तो 5 डेज उसने रिकॉर्ड बनाया है, दैट इज 126 आवर्स टोटल उसने क्या किया है, डांस किया है. वो कहाँ से बिलोंग करती है, नेपाल से वो बिलोंग करती हैं. ओके, सो यहाँ से देखते हैं हमारा अब 15 क्वेश्चन क्या है, बस एक क्वेश्चन और लेफ्ट है, टोटल 16 क्वेश्चन है आज के सेशन में. सो आपको यहाँ पर बताना है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी. अब यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, अभी आपको पता हो ईरान जो है उसको किसने बोला था, यूएस ने बोला था कि आप अपना जो यूरेनियम प्रोडक्शन है उसको क्या कर दो, बंद कर दो. लेकिन उस यूएस के बोलने के बाद भी ईरान ने अपना जो यूरेनियम प्रोडक्शन है उसको कंटिन्यू रखा है, तो इसीलिए हमारे लिए ये जो वेन्यू है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगेन इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वियना ऑस्ट्रिया. ओके, सो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रिया में है. आपको ये वाला जो यूरेनियम से रिलेटेड न्यूज़ है वो भी आपको यहाँ पर याद रख लेना है. और ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो आपके सामने आ ही चुका है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एडवाइजरी काउंसिल मेंबर ऑफ इन 15th फाइनेंस कमीशन. तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा एडवाइजरी काउंसिल मेंबर कौन बन गए हमारे 15th फाइनेंस कमीशन में, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो हैं वो यहाँ पर क्या बन गए, एडवाइजरी काउंसिल मेंबर बन गए हैं, ठीक है. तो यहाँ से देखिए आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो चेयरमैन का नाम है, किसके चेयरमैन आपसे पूछे जा सकते हैं, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन आपसे पूछे जा सकते हैं. अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, नंद किशोर सिंह जो हैं वो क्या है यहाँ पर 15th फाइनेंस कमीशन,
नंद किशोर सिंह क्या है यहाँ पर 15th फाइनेंस कमीशन जो हमारा उसके क्या है यहाँ पर चेयरमैन है। ओके सो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप पिछले काफी दिन से पीडीएफ के लिए बोल रहे थे तो फाइनली आज का क्लास का पीडीएफ जो है वो आपको थोड़े टाइम बाद में इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके सो आप एक दो घंटे बाद में अगर चेक करेंगे तो आपको पीडीएफ भी यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।